राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान उदयपुर महाराष्ट्र के अमरावती में हुई जिहादियों द्वारा जघन्य हत्या के आरोपियों को सरेआम फांसी दिए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा। दरअसल देश भर में राजस्थान उदयपुर और महाराष्ट्र अमरावती में की गई आतंकवादियों के इशारे पर जिहादियों द्वारा हत्या का विरोध किया जा रहा है। वहीं हाल ही में हिंदू भावनाओं को आहत करने फिल्म मेकर जलीना मणि मेकलाई ने मां काली का अपमानजनक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिस पर कड़ी कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कर्णी सेना द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार स्नेहलता चौहान को ज्ञापन सौंपा। जी, जो उदयपुर मामला और अमरावती में जो मामला हुआ है, सगन ने जो हत्या हुई है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर सभी संगठन के लोग, राजपूत समाज से भी हम लोग सभी लोग ज्ञापन देने के हिसाब से आए थे। हमारी मांग है उक्त दोषियों के खिलाफ सारे साक्ष्य मौजूद है, उसमें बिना किसी राजनीति हुए महामहिम से रिक्वेस्ट करिए कि इनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि लोगों में एक संदेश जाए और जो दोषियों में भी एक अच्छा संदेश जाए, ताकि आगे से ऐसी कार्रवाई ना करें, इसलिए हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। उनके जो निर्देशक डायरेक्टर है उनका ये कहना था कि वो किसी से डरते नहीं है, तो हम चाहते हैं कि भारत एक संविधान और कानून के हिसाब से चलने वाला देश है, यहाँ पे हर किसी को डरना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि वो भी कहे कि नहीं, डर लगता है। हम ये चाहते हैं, उनका जो कहना पड़ता है हम डरते नहीं किसी से, तो उनमें डर और भय पैदा होना चाहिए। बड़वानी से विजय निकुंभ की रिपोर्ट।